यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। यीशु के आश्चर्य कर्मों की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म की, जो उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। आखिर उन आश्चर्य कर्मों में हमारे लिए ऐसी कौन सी बात है जो जिसको पाकर हमारा जीवन बदल सकता, हमारी सोच बदल सकती है, हमारे विचारों में परिवर्तन हो सकता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो यीशु मसीह ने अपने आश्चर्य कर्मों के दौरान किए हैं। और जो भी आश्चर्य कर्म किए हैं उसके अंदर से एक नई बात मेरे और आपके जीवन के लिए निकल कर आती है, उसमें से एक नए विचार, नए सोच आते हैं। यदि हम उन नए सोच को और नए विचारों को अपने जीवन में इकट्ठा करते चले जाएं और उसके मुताबिक अपने जीवन का निर्वाह करते चले जाएं, तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, हमारे परिवार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और ये परिवर्तन हमें परमेश्वर के राज के करीब ले जाता है, ये परिवर्तन हमें परमेश्वर के राज में पहुँचाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए ध्यान से सुनिए कि यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों में आखिर कौन सी बात मेरे और आपके लिए है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए और उस एक आश्चर्य कर्मों में एक और आश्चर्य कर्म है कि उसने एक विधवा के बेटे को जिंदा किया। जी हाँ, विधवा के बेटे को उसने जिंदा किया, मगर उससे पहले उसने विधवा की तरफ देखा, विधवा से कुछ कहा। वो क्या बातें थीं? आज वो चीज़ें मेरे और आपके लिए ज़रूरी हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और उसके पास सामर्थ है, उसके पास शक्ति है, वो असंभव से संभव कार्य को कर सकता है। मगर उसने जो कुछ भी उस विधवा से कहा उसको समझना
मेरे और आपके जीवन के लिए जरूरी है। उसको जानना मेरे और आपके जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि जब उस वार्तालाप पर हम गौर करेंगे, जो भी कथन उसने कहा है, जब उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, तब हम पाएंगे कि हाँ, यीशु मसीह आखिर आज के इस तारीख में, आज के इस समय में मुझसे और आपसे क्या कहता है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए लूका की इंजील, उसका 7 अध्याय और 11 से 17 पद तक है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, थोड़े दिन बाद वह नाई नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को भार लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वे विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर एक औरत का जिक्र है, और उसका एक जवान बेटा है जो मर गया था, मगर ये औरत जो थी ये विधवा थी। एक तो विधवा, उसका पति नहीं है, उसके ऊपर वैसे ही मुसीबतों का पहाड़ है, उसका कोई सहारा नहीं है, और ऊपर से ये जवान बेटा जो कि इसकी आंखों के सामने ही चला गया। कितनी पीड़ा उस स्त्री को होगी कि उसके पास अब पहले तो पति नहीं था, अब उसके पास एक जवान बेटा भी नहीं रहा। वो बहुत मायूस और निराश थी। सब लोग उसको तसल्ली तो दे रहे थे, परंतु उस माँ के हृदय में कोई तसल्ली नहीं थी। वो शांत होना नहीं चाहती थी। उसके आंसू बार बार निकल रहे थे कि आखिर अब मैं इस दुनिया में अकेली रह गई, मेरा कोई भी नहीं है, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, मेरा जवान बेटा मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं किसके सहारे रहूँगी, मैं किसके सहारे जीऊँगी। ऐसी बहुत सी बातें उसके जीवन के अंदर थी, बहुत से सोच विचार उमड़ रहे थे उसके जीवन के अंदर। मगर प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहा था, जब उसने देखा, अब एक बहुत भीड़ उससे के उस अर्थी के साथ थी, परंतु यीशु मसीह की निगाहें किस पर हैं, यीशु मसीह की निगाहें किस पर जाकर ठहरी, उस भीड़ में उसने उस विधवा को कैसे पहचान लिया। और भी औरतें उनके साथ होंगी, और भी विधवाएं उनके साथ होंगी, और भी विधवाएं उसके उसको तसल्ली दे रही होंगी, परंतु यीशु मसीह की निगाहें ने डायरेक्ट उस विधवा को जाकर छुआ है। कैसे, देखिए 13वां पद कहता है, 13वें पद में लिखा है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। जी हाँ, वो विधवा जो कि इतनी निराश हो चुकी थी, अपनी जिंदगी से इतनी हताश हो चुकी थी कि वो अपना पति भी खो चुकी थी और उसका बेटा भी जाता रहा, मगर यीशु मसीह की निगाह सिर्फ उस विधवा पर थी और उसने उस विधवा से कहा, मत रो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर इस संदेश को बहुत गहराई के साथ सोचा जाए, आज हमारी परिस्थितियां भी बिल्कुल ऐसे ही होती हैं, हम भी बहुत बातों में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, हम सोचते हैं शायद हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे नातेदार रिश्तेदार हमें छोड़ के चले जाते हैं, हमारे बच्चे हमें छोड़ के चले जाते हैं, हमारे माता पिता हमें छोड़ के चले जाते हैं, बहुत से लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, हम दुनिया में अकेले रह जाते हैं। मगर यकीन जानिए, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, यदि आप सही में बहुत व्याकुल हैं, तो यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, उसकी निगाहें आप पर आकर टिक जाएंगी, और जब उसकी निगाहें आप पर आकर टिक जाएंगी, तो वो आपके सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। वो कहता है कि मत रो। जिसने उसके ऊपर विश्वास किया, उसने उसके सारे आंसुओं को पोंछ दिया। जिसने उसके ऊपर विश्वास किया, उसके हृदय में कितनी भी कितना भारी दुख क्यों ना हो, उसने उस दुख को खत्म कर दिया है। और यहां पर ये विधवा से हमें ये देखने को मिलता है कि इस विधवा के जीवन में मैं समझता हूं कि बहुत भारी दुख होगा, पति का दुख, फिर जवान बेटे के चले जाने का दुख। अफसोस है, जिस माँ के सामने जवान बेटा मर गया हो, जिस माँ के सामने जवान बेटे की अर्थी जा रही हो, उसका दुख तो सही में बहुत भारी होगा, सहने के योग्य नहीं होगा। मगर यहां पर अगर यही दुख या हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो जैसे इस विधवा पर यीशु मसीह की निगाहें आकर ठहर गईं, मेरे और आपके जीवन पर भी यीशु मसीह की निगाहें आके रुक जाती हैं, निगाहें आकर ठहर जाती हैं। और वो कहता है कि उसने उस विधवा पर तरस खाया। जी हाँ, कहता है उसने तरस खाया
और ये तरस की बात अगर हम करते हैं तो सदियों से परमेश्वर अपने लोगों पे तरस खाता है। मगर परमेश्वर का वचन एक बात बताता है, वो तरस किस पे खाता है। आइए मैं पढ़ना चाहूँगा, मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक और उसका 33 अध्याय, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है 33 अध्याय के 19वें पद में, उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। जी हाँ, ये तरस, ये दया, परमेश्वर का अनुग्रह कोई अपने आप से नहीं पा सकता। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वह अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी तरस किस पर करे। यहां पर भी अगर हम देखें तो यीशु मसीह जिस भीड़ के सामने खड़ा हुआ है, जहां पर बहुत सी औरतें हैं, उनके जीवन में बहुत से दुख हैं, बहुत सी परेशानियां उनके जीवन में हैं, हो सकता है कि वहां पर और भी बहुत सी विधवाएं हों, मगर यीशु मसीह की निगाह सिर्फ उस पर थी और उसने उसको तरस भरी निगाहों से देखा। ये यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड करता है, ये उस परमेश्वर पर डिपेंड करता है कि वो किस पर अपना तरस खाए, किस पर अपना अनुग्रह करें, किस पर अपनी दया करें। परंतु हमें अपने जीवन को इस तरीके से बनाना है, हमें अपने जीवन को, अपने सोच को इस प्रकार से बदलना है कि यीशु मसीह की निगाहें हम पर आकर ठहरें और यीशु मसीह की दया हम पर प्रकट हो। जब हमारा जीवन यीशु मसीह के अनुसार, उसकी इच्छाओं के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जब हम हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से वो खुश होता है, तब उसकी दया हम पर प्रकट होती है, तब उसका अनुग्रह हम पर प्रकट होता है। और यही बात उसने मूसा से भी कही कि मूसा मैं तेरे सामने तो चलता रहूंगा, यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा, मगर एक बात तू जान ले, मैं जिस पर चाहूंगा उस पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर चाहूंगा मैं अपनी दया प्रकट करूंगा, ये मेरी मर्जी है। मूसा सहमत था उस बात से, क्योंकि वो परमेश्वर की के हाथों की बात है, वो मूसा के हाथों की या किसी मनुष्य के हाथों की बात नहीं है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं जो परमेश्वर के हाथों की बात है और वो परमेश्वर से आप लेना चाहते हैं, तो जो परमेश्वर चाहता है वो करें, जैसी इच्छा वो आपसे रखता है उस इच्छा को पूरा करें। जैसे लिखा हुआ है, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। जी हाँ, स्वर्ग में प्रभु की इच्छा पूरी होती है, जो स्वर्गदूत हैं उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इस पृथ्वी पर उसकी इच्छा को कौन पूरा करेगा? इस पृथ्वी पर उसकी इच्छा को मैं और आप पूरा करेंगे। यदि मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं तो उसकी दया से वंचित हो जाएंगे, उसकी दया से हम दूर हो जाएंगे, उसका अनुग्रह हम पर नहीं हो पाएगा। आज ऐसे बहुत से भाई बहन इस दुनिया में जी रहे हैं जो परमेश्वर की दया जिन पर नहीं है, जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। क्यों? सबसे बड़ा कारण यह है कि वो परमेश्वर के पास उस अनुग्रह को, उस दया को आकर लेना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि उन पर ठहरे, इसलिए वो संसार के कामों में लुप्त रहते हैं, संसार के कामों में, संसार के भोग विलास में पड़े रहते हैं। और जब कोई मुसीबत, कोई परेशानी उनके जीवन के अंदर आती है, कोई बड़ा दुख उनके ऊपर आता है, तो फिर वो तरस भरी निगाहों से परमेश्वर को देखते हैं। फिर तो वो उसकी इच्छा के अनुसार है, वो आप पर तरस खाए या ना खाए, आप पर अनुग्रह करे या ना करे। मगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हमारा जीवन ऐसा है, हमारा जीवन पवित्र है, हमारा जीवन साफ और सुथरा है, तो परमेश्वर को अपनी निगाहें हम पर ठहरानी ही पड़ती हैं। परमेश्वर की निगाह हम पर आकर ठहरती है, परमेश्वर की निगाह हम पर आकर रुकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं बाइबल के अंदर। आप दाऊद को ले लीजिए, जब परमेश्वर ने अभिषेक, दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा दाऊद के घर में, उस समय शमूएल को नहीं मालूम था कि वो किसका अभिषेक करेगा। उसके सामने से एक एक भाई आते, दाऊद के एक एक भाई आते गए, परंतु परमेश्वर की निगाह किसी पर नहीं ठहरी थी।
और जब परमेश्वर की निगाह तो ठहरी थी, वो जंगल में जो भेड़ बकरियां चरा रहा था उस पर उसकी निगाह ठहरी हुई थी, परमेश्वर की निगाह तो दाऊद पर उस जंगल में थी, उस घर में उन भाइयों के ऊपर नहीं थी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए परमेश्वर की निगाह, यदि आप परमेश्वर के पास हैं, नज़दीक हैं, मगर परमेश्वर की निगाह यदि आपके ऊपर नहीं है तो फिर फायदा क्या है। आप चर्च जा रहे हैं, आप मीटिंग कर रहे हैं, आप प्रार्थना सभाओं में भाग ले रहे हैं, परंतु परमेश्वर की निगाह आप पर नहीं है, परमेश्वर की तरस भरी निगाह आप पर नहीं है, तो क्या फायदा है। परमेश्वर की निगाह एकांत में, जंगल में और भेड़ों को चराते हुए उस व्यक्ति पर है जिसका नाम दाऊद है। जब उसको बुलाया गया तो जिस पर परमेश्वर की निगाह थी उसका अभिषेक हुआ। अगर मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर की निगाह है तो मेरा और अभिषेक, मेरा और आपका अभिषेक कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से होता है और परमेश्वर जिस पर चाहे उस पर अपना अभिषेक प्रकट करता है, अपना अभिषेक करता है। उसने दाऊद पर अपना अभिषेक किया, वो मेरे और आपके ऊपर भी अपना अभिषेक करेगा, कोई मनुष्य उसको नहीं रोक सकता है, चाहे वो मनुष्य कितना भी पद अधिकारी क्यों ना हो, आपके सामने पूरी सेना खड़ी क्यों ना हो जाए, परंतु जिस पर परमेश्वर अपना अनुग्रह करना चाहेगा, जिस पर परमेश्वर अपनी दया प्रकट करना चाहेगा, जिस पर परमेश्वर अपना अभिषेक करना चाहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, पूरी सेना नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया की चीजों से दूर होकर हम परमेश्वर के उस दया के पात्र बने जो प्रत्येक दिन हमें बदलती रहती है, जो प्रत्येक दिन परमेश्वर की दया हम पर होती है, हम उसके नजदीक आते चले जाते हैं। इस विधवा के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और क्या हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं वो एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां पर लिखा हुआ है भजन संहिता 72 और उसका 13वां पद, वे कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और वे दरिद्रों के प्राण को बचाएगा। जी हाँ, बहुत से कंगाल दरिद्र हैं, बेचारे परेशान हैं, लाचार हैं, मोहताज हैं। परेशान मत होइए, आप अपनी गरीबी से परेशान मत होइए, आप अपने कंगालपन से परेशान मत होइए, आप अपनी दरिद्री से परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर की निगाहें ऐसे लोगों के ऊपर रहती हैं और वह अपनी दया ऐसे लोगों के ऊपर प्रकट करता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वह अपनी दया को इस तरीके से प्रकट करता है, कंगालों पर जो दरिद्र हैं, जो गरीब हैं, जिनका अस्तित्व कुछ है ही नहीं इस समाज में, इस दुनिया के अंदर उनका कोई नामो निशान नहीं है, मगर वो परमेश्वर की नज़रों में बने हुए हैं, परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर है, परमेश्वर की दया उनके ऊपर है। और इसलिए कहते हैं कि जब गरीब की हाय लगती है तो वो इंसान को नाश करके रख देती है जिसके ऊपर भी लगे। क्यों क्यों ये कहावत है कि जिस गरीब की, किसी गरीब की हाय मत लेना, इसलिए क्योंकि परमेश्वर की निगाह उस गरीब के ऊपर ठहरी हुई है, क्योंकि परमेश्वर की तरस भरी निगाह उस गरीब के ऊपर रुकी हुई है और वो उन पर तरस खाता है। इसलिए जो उनके साथ खिलवाड़ करता है परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं है। इस बात को ध्यान रखें और निराश ना हो, खासतौर से मेरे वो गरीब भाई बहन जो तंगी मुसीबत की जिंदगी को जी रहे हैं, कर्ज और बोझ की जिंदगी को जी रहे हैं, आप परेशान मत होइए, परमेश्वर की निगाह, उस प्रभु यीशु मसीह की निगाह आपके ऊपर है और वो तरस भरी निगाह है और आपको उस गरीबी से, उस परेशानी से वो दूर करेगा। आप उस पर विश्वास रखिए। और परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, यहाँ पर लिखा है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आगे लिखा है, जब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए, तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। उसने अर्थी को छुआ, जो ले जा रहे थे रुक गए, वो जवान उस अर्थी पर लेटा हुआ है, उसके अंदर सांस नहीं है, मर गए हैं, लोग उसे दफनाने के लिए ले जा रहे हैं, लोग उसे दफनाने के लिए बहुत व्याकुल हैं, ले जा रहे हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा देर तक ठहरना वहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर डेड बॉडी को रखा जाएगा तो वो सड़ जाएगी और बास आने लगेगी। मगर यीशु मसीह ने उस अर्थी को पकड़ लिया, यीशु मसीह ने कहा उस अर्थी पर, उस मुर्दे से कहा, जो मुर्दा था, जो मर गया था, उससे कहा, हे जवान उठ। क्या बात है। आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम भी अपने पापों के कारण मरे हुए हैं,
आज हम पापों की अर्थी पर लेटे हुए हैं और हम भी उस मृत्युशैया पर हैं। हमें भी दफनाने की तैयारी है, उस दूसरी मृत्यु में हमेशा खो जाने की तैयारी है। मगर याद रखिए, यदि आप चाहते हैं कि आप भी इस मुर्दे की तरह उठ बैठे, तो यीशु मसीह को पुकारिए। यीशु मसीह आपको पुकारेगा और कहेगा, हे जवान उठ। क्या होगा? अभी हमने आगे नहीं पढ़ा कि क्या हुआ, मगर आइए देखते हैं क्या हुआ इस जवान के साथ। 15वां पद, परमेश्वर का वचन ये बताता है, तब वे मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, उसने उससे उसकी मां को सौंप दिया। परमेश्वर का वचन बताता है, जैसे ही उसने कहा यीशु मसीह ने कि हे जवान उठ, मुर्दा उठ के बैठ गया और क्या करने लगा? बोलने लगा। यीशु मसीह ने उसको अर्थी से नीचे उतारा, उसका हाथ पकड़ा और उसकी मां को सौंप दिया। सोचिए उस मां के हृदय में कैसी खुशी की लहर दौड़ी होगी। वो उस खुशी के मारे बोल नहीं पा रही होगी, वो धन्यवाद तो देना चाह रही होगी परंतु उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे होंगे, इतनी खुशी से भर गई होगी। अपने बेटे को जीवित देखकर वो खुशी से भर गई होगी, अपने बेटे को जीवन, उसके शरीर के अंदर जीवन पाकर वो खुशी से पागल हो गई होगी और वो बहुत ही धन्यवाद देना चाहती होगी। उसको शब्द नहीं मिल रहे होंगे, वो जोर जोर से चीख चीख के यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहती होगी, परंतु उसके आंसुओं ने सब कुछ कह डाला। क्योंकि मैं जानता हूं कि उस स्त्री का जब जवान बेटा उसके पास गया होगा तो वो उसे गले से लगा के बहुत रोई होगी, बहुत भिलक भिलक के रोई होगी और उसके उन आंसुओं ने सारा धन्यवाद यीशु मसीह के सामने प्रकट कर दिया होगा। आज यदि आपका कोई भी जवान बेटा या जवान बेटी पाप की मृत्यु पर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और इस तरीके से मृत्यु यदि उनके जीवन में है, तो विश्वास रखिए यीशु मसीह उनको उस पाप से छुटकारा देने के लिए आया था और है और देता रहेगा। आप अपने बेटे का नाम लीजिए, आप अपनी बेटी का नाम लीजिए, हे प्रभु यीशु मसीह, तू इस बेटे को पुकार, तू मेरी इस बेटी को पुकार और इस पाप की शैया पर ये जो लेटा है या लेटी है, ये यीशु मसीह के नाम से उठ जाए। फिर देखिए वो उठ जाएगा, आपके जीवन में खुशी होगी। आप अपने बच्चों से परेशान हैं, क्योंकि आजकल के जो जवान बच्चे हैं उनकी सोच, उनके विचार बिल्कुल अलग हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम उस जवान बच्चे को यीशु मसीह के पास लाएं। वो आपकी निगाहों को देख रहा है, आपकी मजबूरी को, आपकी वेदना को देख रहा है और वो आपकी वेदना को ख़त्म करना चाहता है। यहाँ पर मैं आगे पढ़ना चाहूँगा, 16-17 पद है, इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा की दृष्टि की है और उसके विषय में ये बात सारे यहूदियों और आसपास के सारे क्षेत्र में फैल गई। जी हाँ, सब ने इस बात को महसूस किया कि परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि की है, अपने लोगों के ऊपर। यदि आप परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर है, यदि आप परमेश्वर के हैं तो यीशु मसीह की तरस भरी निगाहें आपको देख रही हैं, यदि आप परमेश्वर के हैं तो यीशु मसीह की दया आप पर प्रकट होने जा रही है, यदि आप परमेश्वर के हैं तो यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर प्रकट होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आज यीशु मसीह की तरस भरी निगाहें आप पर हैं, जैसे इस विधवा पर थी। इसके बेटे को उसने जीवित किया, आपके बेटे बेटियां जीवित तो हैं मगर जीवित होते हुए पर भी वो मरे हुए के समान हैं। आप बेफिक्र रहिए, आप यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह का के पास आकर अपने बेटे और बेटियों को सौंप दीजिए। देखिए वो उनको पुकारेगा और वो फिर से एक नया जीवन पाएंगे, वो जीवित होंगे। आप आशा रखिए, आप विश्वास रखिए, प्रभु आपके विश्वास को
पूरा करेगा, प्रभु आपकी आशा को पूरा करेगा, मगर आप प्रभु के होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ ना कि अपने लोगों पर दया की दृष्टि करी। जब तक आप परमेश्वर के बनेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आश्चर्यक्रम नहीं हो सकता और उस आश्चर्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन में नहीं पूरा हो सकता। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने जीवन को बदलें और प्रभु पर आशा रखें ताकि उसकी दया हम पर प्रकट होती रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, अपने बेटे बेटियों पर तरस खाइए, तरस की दृष्टि रखिए, जो आपके ऊपर निगाह उठाकर देख रहे हैं आप पे आशा रखे हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और उनके आशा और विश्वास को बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए हम कोई विशेष प्रार्थना करें या इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। आपके स्क्रीन पर जो नंबर है आप उसे नोट कर लीजिए, जो पता है उसे नोट कर लीजिए और हमें लिख भेजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।